हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स एकेडमी। मेरा नाम है अखिलेश और आज हम लोग बोकारो डीएवी सेक्टर 4 का स्कूल रिव्यू करने वाले हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि प्लीज डीएवी सेक्टर 4 पर भी एक स्कूल रिव्यू होना चाहिए, और इसीलिए मुझे भी लगा क्योंकि सारे स्कूल्स कवर हो चुके थे तो क्यों ना डीएवी सेक्टर 4 पर भी एक स्कूल रिव्यू बनाया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कम्प्लीटली मेरे जो रिव्यू है उसे आप फॉलो ना करें। अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स अगर उस स्कूल्स में हैं या फिर बोकारो में रह रहे हैं तो आप उनसे एक बार जरूर बात करें और उनसे जानें कि क्या ये सच है और क्या वहां पे एडमिशन लेना क्या बेटर होगा क्या नहीं, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। या फिर अगर कोई स्टूडेंट अगर डीएवी सेक्टर 4 का अगर कोई वीडियो ये देख रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके आप अपना रिव्यू दें ताकि जो स्टूडेंट्स डीएवी सेक्टर 4 में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें ये हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5-6 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे कि डीएवी सेक्टर 4 में आपको कौन कौन से स्ट्रीम्स मिलते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, आपकी फैसिलिटी कैसा आपको मिलता है डीएवी सेक्टर 4 में, फैकल्टी कैसे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये सारे हैं वो सारे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या आपको डीएवी सेक्टर 4 में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं वो हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो डीएवी सेक्टर 4 में या फिर कोई भी स्कूल में दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट और एक होता है आपका मेरिट बेसिस पे। मेरिट आपका परसेंटेज कितना है क्लास 10 में उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन होता है आपके 11 और 12 में। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम ना दें क्योंकि जो परसेंटेज या कट ऑफ होता है वो 70-80% होता है आपके डीएवी सेक्टर 4 का। यहाँ पे चिन्मय विद्यालय और डीपीएस या फिर जीजीपीएस का मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका परसेंटेज 80-90 हो सकता है। हमारे टाइम में 95% था चिन्मय विद्यालय का साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ। तो इसीलिए हर साल क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि इस बार चिन्मय विद्यालय का 80% कट ऑफ था साइंस स्ट्रीम के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कहां 95-80%। तो हर साल ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, सीबीएसई किस तरह से मार्क्स दे रहा होता है तो आपको वो देखना होगा। लेकिन हाँ, डीएवी सेक्टर 4 का जो मार्क्स होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल, और इसी के कारण है कि डीएवी सेक्टर 4 में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको डीएवी सेक्टर 4 में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों ही स्ट्रीम मिल जाते हैं, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, कि किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो तीनों के अवेलेबल है। आपको एक चार्ट डिस्क्राइब कर दिया गया होगा, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको डीएवी सेक्टर 4 प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन फी की, क्या एडमिशन चार्ज करता है डीएवी सेक्टर 4। तो वन ऑफ द लोवेस्ट एडमिशन चार्ज फी है डीएवी सेक्टर 4 का एज कम्पेयर टू अदर स्कूल। जो चार्ज है इस स्कूल का वो करीब 30-35,000 हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट आपका 10,000 आपका प्रोविजनल एडमिशन फी लिया जाता है, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको कुछ और अमाउंट चार्ज होता है जो रेस्ट आपके बचे हुए होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फैकल्टी कैसा है डीएवी सेक्टर 4 का। तो अगर हम लोग फैकल्टी की बात करें तो आपको एक एवरेज फैकल्टी मिलेगा, ना ही टॉप मोस्ट और ना ही बहुत ही खराब, बट एक डिसेंट फैकल्टी आपको मिल जाते हैं डीएवी सेक्टर 4 में। और क्यों, और ये रीजन, और भी एक मैं बात बताना चाहूंगा कि सारे स्कूल्स में आपको इसी तरह की फैकल्टी मिलेंगे। हर स्कूल में 2-3 टीचर ऐसे होंगे जो रियल में आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, और 2-3 टीचर ऐसे होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं होगा आपसे, वो बस फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे आके। ये चाहे चिन्मय विद्यालय हो, चाहे जीजीपीएस हो, चाहे डीएवी, सारी सबकी एक बात है। लेकिन हाँ, हर स्कूल में 1-2 टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और वो टीचर हमारे फिर फेवरेट बन जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी टीचर्स मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट होता है और बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन है, तीनों स्ट्रीम्स है यहाँ पे, इसीलिए आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं अगर आपको एक पढ़ाई करनी है तो। अब हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है डीएवी सेक्टर 4 का। तो एनवायरनमेंट आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा
क्योंकि जेई और नेट का जो रिजल्ट है डीवी सेक्टर 4 का वो काफी कम है अदर स्कूल्स के, और उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि डीएवी जो स्टूडेंट लेता है वो एवरेज स्टूडेंट लेता है, 70-80% वाले स्टूडेंट्स को लेता है, जिसके कारण उनमें जो कंपटीशन का जो वो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और इसी के कारण उसका जो रिजल्ट है जेई का और नीट का वो बहुत ही कम होता है। तो आपको उस लेवल का कंपटीशन नहीं मिलेगा अगर आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका लाइब्रेरी फैसिलिटी, आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी और आपके अदर करिकुलर एक्टिविटीज। तो डीएवी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल है, इस रीजन में जाना जाता है क्योंकि हर साल डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है, और क्योंकि मैं खुद भी एक डीएवी का स्टूडेंट रह चुका हूँ क्लास 10 तक, तो मुझे पता है, और मैं खुद भी एक पार्टिसिपेंट रह चुका हूँ, मैं नेशनल लेवल योगा खेल चुका हूँ डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में, तो मुझे पता है। तो बहुत ही अच्छा आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अगर आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डीएवी सेक्टर 4 में आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्कूल। और क्योंकि डीएवी का बहुत ही ज्यादा डीएवी स्कूल्स है, आप भी जानते होंगे पूरा इंडिया में, तो डीएवी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता होगा कि डीएवी जो है सबसे बड़ा एनजीओ है हमारे इंडिया का। तो हाँ बिल्कुल, आपको बहुत ही आपको फायदा होने वाला है अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अगर डीएवी में जाना चाहते हैं तो। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या आपको एडमिशन डीएवी सेक्टर 4 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप अपने अगर कोई रिलेटिव या फ्रेंड अगर वहां पे बोकारो में रह रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए कि क्या डीएवी 4 बेटर रहेगा, या आपका अगर और थोड़ा आपका परसेंटेज अच्छा है, या फिर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेई या नीट की, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इस स्कूल में एडमिशन ना लें। बट ये टोटली आपका सजेशन होने वाला है, आप मुझे फिर ब्लेम ना करें कि आपने बोला था इसीलिए मैं एडमिशन ले लिया। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अभी ना एक मैं बोलूंगा कि आप ग्लास के वाटर में हो, ठीक है। आप जैसे ही बोकारो जाओगे ना तो आप एक मतलब कि आप ओशियर में आ गए हो या फिर आप एक पॉन्ड में आ गए हो। वहां पे आपको एक से एक कंपटीशन मिलेगा, आपको एक से एक ब्रेन मिलेंगे। तो क्या होता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा ये अच्छे प्लेस पे चले जाओगे, जैसे कि अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में है और आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपका बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। मुझे एक साल तक लग गया था कॉपअप करने में उस लेवल का, क्योंकि वहां पे जो हार्डवर्क होता है, जो कॉम्पिटिशन होता है, जो वहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे ब्रेन जिनके पास अलग अलग वहां पे आपको टैलेंट है, और हम ये होते हैं एक एवरेज स्टूडेंट जो बाहर से जाते हैं बुक। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अखिलेश कुमार फोटोग्राफी पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। और आप अगर रिव्यू और भी स्कूल का रिव्यू देखना चाहते हैं, JJPS या फिर चिन्मया या फिर DPS, तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बना के रखा है। तो अगर आप उस स्कूल का भी अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्कूल खराब नहीं होता है, कोई भी टीचर्स खराब नहीं होते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा और कुछ वैल्यू एडिशन अगर मैंने कर पाया है तो प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जिन आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं जिसे इस वीडियो की जरूरत है, तो आप प्लीज इसे शेयर करें ताकि जो फीड प्रोसेस है यूट्यूब एल्गोरिथम का वो इंक्रीज हो पाए और इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।